जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक कड़ा विकासखंड के मलाक पचंभा गांव निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह पटेल लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च को राजस्थान के जोधपुर शहर में गांव लौटा था। गांव पहुंचने के बाद उसने अपना बैग घर पहुंचकर माता पिता के अलावा हवाले कर दिया। माता पिता से मिलने के बाद युवक अपने एक दोस्त के ट्यूबवेल पर जाकर उसके साथ कुछ वक्त बिताया। परदेशी युवक के गाँव में आने की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान ने उसे अस्थायी रूप से बनाए गए आश्रय स्थल में क्वारंटीन कर दिया। बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से उसका सैंपल जांच के लिए वाराणसी भेजा गया। जांच पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला प्रशासन में पूरे गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय में बने आश्रय स्थल में युवक के साथ रहने वाले सभी 8 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा युवक के माता पिता और उसके संपर्क में आने वाले गांव के ही एक अन्य युवक को उसके परिवार के 8 सदस्यों के साथ घर पर ही क्वारंटीन किया जा गया है। पूरे गांव को सैनिटाइज कर दिया गया है। गांव में एहतियात स्वास्थ्य व पुलिस कर्मी तैनात कर दिए। ये कड़ा में एक गांव है मलाक पचंभा, रामपुर बड़नामा ग्राम पंचायत है। वहाँ पे कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जो लोग बाहर से आए थे, और उसी में ये नरेंद्र सिंह हैं जिनमें कुछ लक्षण मिले थे 3 तारीख को। तो उसी दिन हम लोगों ने जिला अस्पताल में उनको शिफ्ट कर दिया था। उनका सैंपल लेके बनारस, जो हमारा सेंटर है, वहाँ भेजा गया था वाराणसी। और कल रात में रिपोर्ट आई, उनका पॉजिटिव आया है। तो उनको एज पर प्रोटोकॉल जो है वो हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गांव में पूरी तरह से गांव की जो सीमा है उसको सील कर दी गई है। गांव के अंदर भी सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और कॉन्टैक्ट लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति, संभावित व्यक्ति हैं जो उनके संपर्क में आए होंगे, सबका परीक्षण कराया जा रहा है। और जो लोग उनके साथ क्वारंटाइन सेंटर में थे उनका भी सैंपल लिया जा रहा है, उनको भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। गांव के जितने भी लोग हैं